कॉलेज भी तालाबंदी करने पहुंचे आंसू संघ के सदस्यों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। लाठी डंडों से आंसू छात्र के लोगों की स्थानीय भूमिदाता छात्र और कॉलेज कर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी। आंसू छात्र संघ कॉलेज में इंटर साइंस की पढ़ाई की मांग को लेकर तालाबंदी करने पहुंचे हुए थे के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की, रामगढ़ से लाठी डंडों से आंसू छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं की खूब पिटाई हुई है। जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के छात्र थे कॉलेज के, और साथ में जो भूमिदाता है जो कॉलेज के निर्माण में जिन्होंने अपनी जमीन दी है, उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। तो ये पहुंचे हुए थे आंसू छात्र संघ के जो कार्यकर्ता यहाँ पर, और देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। वो इंटर के पढ़ाई को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे कुछ बातों को लेकर, और लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला, उल्टा उनका प्रतिकार किया गया, उनका प्रतिरोध हुआ और यहां तक कि पिटाई भी कर दी। यहाँ पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है आंसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पर पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, इंटर साइंस की पढ़ाई चालू कराने की मांग को लेकर ये पहुंचे हुए थे। लेकिन जो भूमिदाता है, जो छात्र यहाँ के और जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इनका विरोध कर दिया। और महावीर, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे सहयोगी महावीर, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये क्यों गए हुए थे आंसू छात्र संघ के जो कार्यकर्ता कॉलेज, क्यों पहुंचे हुए थे रामगढ़ कॉलेज? महावीर आवाज पहुंच रही हमारी? जी जी। तो ये छात्र संघ, जो आंसू छात्र संघ के कार्यकर्ता कॉलेज क्या करने गए थे, क्या 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 मांग थी उनकी, वहां पहुंचे थे कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा? जी, आंसू छात्र संघ के द्वारा आज कॉलेज में तालाबंदी की के लिए वो लोग गए थे। तालाबंदी करने के लिए वो लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जो स्टूडेंट हैं और वो जो कर्मी हैं, उन लोगों में आक्रोश व्यक्त हो गया। उन लोगों ने उन्हें मना किया, इतने दिनों के बाद कॉलेज खुला है, यहाँ पे राजनीति ना करें, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। उसके बाद बगजक होने लगी और बगजक होते होते जो स्थानीय लोग हैं, जो दानदाता हैं और जो वहाँ के छात्र छात्र हैं कॉलेज के और जो कर्मी हैं, उन लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते रण क्षेत्र में वो तब्दील हो गया और दौड़ा दौड़ा के आंसू छात्र संघ के सदस्यों को पीटा जाने लगा। पुलिस भी मौके पे पहुंची, लेकिन वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई थी, जिसके कारण पुलिस भी चाह कर भी उन लोगों को नहीं बचा सकी। बाद में सभी आंसू कार्यकर्ता दौड़ कर छुप छुप के अपनी जान बचाते दिखे। जी महावीर, जानना चाहेंगे कि आखिर आंसू छात्र संघ क्यों पढ़ाई होने देना नहीं चाहता था, क्यों वो तालाबंदी के लिए पहुंचे हुए थे, क्या उनकी मांग क्या है अलग से? महावीर, लगता संपर्क टूट गया है। तो अपनी कुछ मांगों को लेकर आंसू छात्र संघ के जो कार्यकर्ता हैं, ये कॉलेज पहुंचे थे, इंटर की पढ़ाई हो रही थी और कॉलेज खुला था, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर वहां प्रदर्शन करने पहुंचे तो तालाबंदी करने वाले थे, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा और उनकी खूब पिटाई हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।